हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम वेक्टर के बारे में सीख रहे थे। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो जब ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी और वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसका डायरेक्शन भी निकालना सीखेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालना सीखेंगे। इसके कई मेथड हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक मेथड से, हेड टेल मेथड। सपोज दो वेक्टर हैं, यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। मान लिया ए और बी दोनों जो हैं सेम डायरेक्शन में हैं। ए की मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 4 यूनिट है और बी की मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट। तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं ए की मैग्नीट्यूड 4 यूनिट और बी की मैग्नीट्यूड का मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, 3 यूनिट। तो आप देखिए जो मैग्नीट्यूड है उसी के हिसाब से मैंने वेक्टर की लेंथ ड्रा की है। 4 मैग्नीट्यूड है तो ये 4 लेंथ के अकॉर्डिंग लग रहा होगा, ये 3 यूनिट है तो ये 3 के अकॉर्डिंग है। तो बी की मैग्नीट्यूड ए से कम है तो बी की लेंथ बी ए से कम है। तो जब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो सपोज जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैं यहाँ बना लेता हूँ, रिजल्टेंट। जब हम वेक्टर को जोड़ेंगे तो सपोज ए को वेक्टर बी में जोड़ना है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमें क्या बताएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम चाहें तो इसको आर से लिख सकते हैं, आर फॉर रिजल्टेंट, जो ए और बी के जोड़ के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हेड टेल मेथड क्या है। हेड टेल मेथड से जब आप दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो पहले ए वेक्टर आया है तो आप पहले ए को लिख लेंगे, तो ये ए वेक्टर हो गया। जितनी ए की लेंथ है उतनी ही आप बनाइए, इस तरह से लिख दिया तो ये ए वेक्टर हो गया। अब बी को इसमें जोड़ना, तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे कि बी की जो टेल है वो ए के हेड पे आते हैं। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखना है तो ये हमने बी वेक्टर को रख दिया इस तरह से। अब जो पहला वेक्टर था यानी कि ए, ए की टेल से बी के हेड तक एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये आ गया वेक्टर जो व्हाइट एरो है, ये आया वेक्टर ए प्लस बी, ए प्लस बी वेक्टर आया ये, यानी कि ये किसके इक्वल आया, आर। तो आप देखिए ए की मैग्नीट्यूड 4 यूनिट थी, बी की मैग्नीट्यूड 3 यूनिट थी, तो ए की मैग्नीट्यूड देखिए 4 और 3, ये जो लेंथ है ये 4 प्लस 3 दोनों का जोड़ आई, तो उस केस में सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज 4 प्लस 3 7 यूनिट। अब ये दूसरा केस लेते हैं ताकि जो मेथड है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये था पहला केस, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं जो ए वेक्टर है वो अगेन 4 यूनिट है, ए को हमने ऐसे लिख लिया दिस इज वेक्टर ए, और जो बी वेक्टर है मान लेते हैं बी वेक्टर इस बार अपोजिट डायरेक्शन ले लिया और मैग्नीट्यूड उतनी है, ये बी वेक्टर। तो ए की मैग्नीट्यूड कितनी, 4 यूनिट, बी की मैग्नीट्यूड कितनी, 3 यूनिट, लेकिन पहले डायरेक्शन ए और बी सेम डायरेक्शन में थे, इस बार बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में जब हम ए प्लस बी जोड़ेंगे तो मेथड हमारा वही रहेगा, ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी इक्वल टू आर जो कि ए प्लस बी का जोड़ है रिजल्टेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो वेक्टर पहले लिखा गया ए, तो पहले आप ए को लें
इस तरह से ले लिया, ये ए बी पे लिख लेते हैं, ए ये वेक्टर ए, लेंथ हमने सेम रखनी है, लेंथ सेम और डायरेक्शन सेम। अब जो बी वेक्टर है उसको इस तरह से रखेंगे इस पे कि बी की टेल ए के हेड पे आई लाइक करे, तो इस बी को उठाकर रख दीजिए, तो बी को जब हम ऐसे रखेंगे तो ये बी की टेल आ गई और ये आ गया बी का हेड। तो ये ए था, पिंक कलर के चौक से दिखाया, ये बी है, बी को ऐसे रखना कि बी की टेल ए के हेड पे, बी की ये टेल ए के हेड पे आए और बी का बाकी सब कुछ वही सेम है। अब जो पहला वेक्टर है उसकी टेल से दूसरे वेक्टर को हेड को मिलाएंगे तो वो आ जाएगा रिजल्ट। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप देखिए, ये जो व्हाइट कलर से दिखाया है ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर, आर का डायरेक्शन देखिए, आर का डायरेक्शन वही आया है जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर, और आर की मैग्नीट्यूड देखिए ये चार थी, ये तीन, चार में से तीन माइनस करेंगे, ये चार, चार में से तीन माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा वन। तो आर की जो मैग्नीट्यूड आई वो कितनी आई, वन। तो हेड टेल वेक्टर इसी तरह से, मान लो ये तो केस जब था जब जो वेक्टर है उनके बीच में एंगल जीरो था या 180 डिग्री था, अब मान लो कोई जनरल एंगल हो थीटा, तीसरा केस, तब हम क्या करेंगे। तो सपोज ये ए वेक्टर है, ऐसे ए को लेते हैं पिंक कलर के चौक से, और वेक्टर बी ए के साथ कुछ एंगल पे है, 90 भी हो सकता है, जनरल एंगल थीटा भी हो सकता है, सपोज 90, ये वेक्टर है बी। तो अब ए को बी में जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर वही सिंपल केस हमें निकालना, ए प्लस बी। तो सबसे पहले वेक्टर ए को उठाएं, ये वेक्टर ए को उठा लिया और इस तरह से रखें कि डायरेक्शन और लेंथ सेम हो, अभी भी ये तो हो गया वेक्टर ए। अब वेक्टर बी को उठाएं, इस तरह से रखें कि बी की टेल ए के हेड पे आ जाए, ए का हेड ये रहा, बी की टेल ये रही, तो आप इस तरह से रखिए इसको, ये हो गया वेक्टर बी। अभी आपको क्या करना, रिजल्टेंट निकालने के लिए एक सिंपल तरीका बताया मैंने रिजल्टेंट निकालने का, पहले वेक्टर की, पहला कौन सा था, ए, ए की टेल ये रही और बी का हेड, बी का हेड ये रहा, तो ए की टेल को सीधा बी के हेड से मिला दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो अब देखिए इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, चार, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, तीन, और ये जो एंगल है दोनों के बीच में ये था 90 डिग्री, और एंगल निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था, दोनों वेक्टर की टेल मिलनी चाहिए, तो आप चाहे इसको आगे सरका दें तो वेक्टर के बीच में जो एंगल लिया जाएगा, हालांकि यहाँ पे ये भी 90 है और ये भी कितना है 90, तो ये एंगल है 90 दो वेक्टरों के बीच में। अब एंगल ये 90 तो ये भी कितना है 90 डिग्री, तो ये चार ये तीन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आइए जो पाइथागोरस थ्योरम वो लगाओ और आप आर स्क्वायर निकाल सकते हो, 3² + 4² तो इस केस में आर कितना आया 5। ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आई। इस तरह से हमने तीन डिफरेंट केस लेके डिस्कस किया है, आई होप दिस हेड टेल मेथड इज क्लियर टू यू। अब एक दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, हालांकि जो रिजल्ट है जो थीम है वो तो सभी मेथड का एक ही है और रिजल्टेंट हर एक मेथड से सेम आएगा। हेड टेल मेथड को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, विच इज
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जब दो वेक्टर को जोड़ना हो हेड टेल मेथड से तो इस लॉ को हम ट्रायंगल लॉ भी कहते हैं, बस जो वर्डिंग है वो डिफरेंट है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, मान लेते हैं दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर है बी। तो ये दो वेक्टर इस तरह से हैं कि ट्रायंगल की दो साइड डिफरेंट करते हैं और सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर का मतलब जिस फ्लो में ए है उसी में बी, ए एंड बी आर रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये थर्ड साइड है ट्रायंगल की, तो ये थर्ड साइड यदि अपोजिट ऑर्डर में ले लें, अब देखिए सेम ऑर्डर में लेते हैं थर्ड साइड तो डायरेक्शन इस तरह आता है, अपोजिट ऑर्डर मतलब ऑर्डर ये है, ट्रायंगल का ऑर्डर ये था, ये और ये, लेकिन ये अपोजिट साइड में है तो इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट हाफ। तो ये ट्रायंगल लॉ है सिंपल, हालांकि है वही ए प्लस बी इक्वल टू आर, ए प्लस बी इक्वल टू आर, चाहे आप हेड टेल मेथड कह दें चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ कह दें, चीज वही है, रिजल्टेंट लिखा जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू आर। फिर ज्योमेट्री यूज करके हम इस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ए और बी के बीच एंगल पता होना चाहिए। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर ए पहली साइड वेक्टर बी दूसरी साइड, दोनों किस में है सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड और अपोजिट ऑर्डर में हो, देन इट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। सपोज यदि मैं ऐसे ड्रा करूं, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, 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 और मैं लिख देता हूं ये बी और ये सी, तो आप इस फिगर को देख कर बताइए कि कौन सा वेक्टर बाकी दो वेक्टर का रिजल्ट है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखनी पड़ेगी कौन सी दो साइड सेम ऑर्डर में, ये नहीं, ये सेम ऑर्डर में नहीं है। आप देखिए ए और बी सेम ऑर्डर में, ये ए और ये बी सेम ऑर्डर में और सी अपोजिट ऑर्डर में, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सी इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी। आपको समझ में आ गया होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या करता है, थोड़ी डिफरेंट वे में है लेकिन जो मेथड है वो बिल्कुल पहले वाले के इक्वल है। तो ये क्या कहता है, यदि जो पैरेललोग्राम है उसकी दो साइड हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, सपोज हम ऐसे प्रिंट कर लेते हैं पैरेललोग्राम की ये पहली साइड वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है, दूसरी साइड वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है, और जो दोनों साइड है उनकी टेल कोइंसाइड कर रही है इस पॉइंट में, इस पॉइंट का नाम पर देखते हैं। तो आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, इस तरीके से। अब जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल वो उसी पॉइंट से पास करे जहाँ पे दोनों वेक्टरों की टेल कोइंसाइड कर रही है, तो वो होगा इनका रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट है उसकी टेल भी ए और बी की टेल से कोइंसाइड करेगी, तो ये रिजल्टेंट होगा आर, आर आर इक्वल टू ए प्लस। आप देखिए ये वेक्टर बी है तो इसके बिल्कुल पैरेलल सेम लाइन सेम डायरेक्शन में ये भी वेक्टर बी है, ये ए है तो ये भी क्या है वेक्टर ए, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या कहता है, दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड पर करते हैं
जिनकी टेल आपस में विद देयर टेल कौन साइड, दोनों की टेल कौन साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, ये और ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, दोनों की टेल ही यहाँ पे कौन साइड कर रही है, वेक्टर इस तरह से लिखे किए गए हैं। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगनल होगा और उस डायगनल वो जो डायगनल है उस डायगनल पे वेक्टर आर की टेल भी कौन सा, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी और रिजल्टेंट तीनों की टेल एक ही पॉइंट पर कंसाइड करेगी और जो रिजल्टेंट आर वो उसी कॉमन पॉइंट से पास करेगा और पैरेललोग्राम के डायगनल के अलोंग होगा जहाँ पे दोनों वेक्टर ए और बी की टेल कंसाइड कर रही है। ए और बी की टेल जहाँ कंसाइड कर रही है वही से रिजल्टेंट आर पास करेगा और डायगनल के अलोंग होगा। ये डायगनल डायगनल तो ये भी है लेकिन ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है कि दो एडजेसेंट वेक्टर इस तरह से, दो वेक्टर ए और बी इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएं कि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हो और दोनों की टेल एक ही जगह कंसाइड करती हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो दोनों की टेल जिस पॉइंट पर कंसाइड कर रही है उसी पॉइंट से पास करेगा और इस तरह से पास करेगा, रिजल्टेंट की टेल भी उसी पॉइंट पर आएगी। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए दोनों के, अब हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अब तक हमने जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या हेड टेल मेथड जो डिस्कस किया था तो उसमें बेसिकली दो ही वेक्टर को हमने ऐड किया था। यदि वेक्टर दो से ज़्यादा हो तो उस केस में हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। तो ये भी आप बेसिकली कह सकते हैं जो हेड टेल मेथड था उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन। सपोज वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर सी ऐसे है और इस तरह से ये एक पॉलीगन बन रहा था। आप देखिए ये तीन वेक्टर हैं जो पॉलीगन की तीन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और ये तीनों सेम ऑर्डर में, तो जो रिजल्टेंट वो क्लोजिंग, ये जो साइड है ये पॉलीगन को कर रही है क्लोज, और यदि ये अपोजिट ऑर्डर में ले लें तो ये क्या हो जाएगी इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो आप समझ सकते हैं आर जो है बेसिकली वो किसके इक्वल है, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से कितने भी वेक्टर हों, सपोज मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, ये वेक्टर ई। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 वेक्टर हैं जो पॉलीगन की पांच साइड पर करते हैं, जो ओपन पॉलीगन उसकी पांच साइड है किसमें है सेम ऑर्डर में। और आप एक चीज और देखिए, पहला जो वेक्टर उसकी हेड पे दूसरे की टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे की टेल आ रही है, तीसरे के हेड पे चौथे की टेल आ रही है और चौथे के हेड पे पांचवे की टेल आ रही है। और हमने यहाँ शुरू किया था तो पहले की टेल से और आखिरी के वेक्टर के हेड को मिला दें तो ये क्या आ जाएगा रिजल्ट है। हेड टेल मेथड से भी आप इसको कह सकते हैं और पॉलीगन लॉ, तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, इफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, पार्टिकल पे जो मान लो चार पांच इस तरह के वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो वो जो वेक्टर है उनको हम यदि पॉलीगन की ओपन जो पॉलीगन उसकी साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो किसमें आए सेम ऑर्डर में हो, तो जो रिजल्टेंट है वो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी और अपोजिट ऑर्डर में होगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या होगा इन पांचों का रिजल्टेंट, तो यहाँ लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई।
डायमेंशन ऑफ टू वेक्टर आर। मान लेते हैं ये वेक्टर था ए, और ये दूसरा वेक्टर है बी। तो ए और बी का हमें रिजल्टेंट निकालना है। ट्रायंगल ला किसे भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसको कर रहा हूँ ट्रायंगल ला से, तो ये वेक्टर था बी, दिस इज बी वेक्टर। तो बी को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम, ये बी। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी के ऊपर है, बी मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करके और इसके ऊपर क्या ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा ये एंगल कितना है, साइन थीटा, तो इसके नाम देते हैं ओ बी। देखिए हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करेंगे। आप देखिए तो रिजल्टेंट है वो है ओ एस, तो हमें ओ एस की मैग्नीट्यूड निकालनी है। हमें ओ पी की मैग्नीट्यूड पता है जो कितनी है ए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल
इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओ स्क्वायर किसके इक्वल है? आगे ये होगी इक्वेशन। हमें ओ एन की मैग्नीट्यूड चाहिए, ओ पी की तो पता, ओ पी की मैग्नीट्यूड है ए, पी एन की चाहिए लेकिन इसकी पता है। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल पी एन एस पी एन एस में देखिए हमें चाहिए एन पी एन, पी एन चाहिए पी एन, पी एन डिवाइडेड बाई पी एन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, पी एन ओवर पी एस बेस और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। तो आप फिर कह सकते हैं पी एन इज इक्वल टू पी एस कोस थीटा। तो पी एन किसके इक्वल आ गया? पी एन इज इक्वल टू पी एस मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है? पी एस मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है? पी एस मैग्नीट्यूड में इक्वल है बी के। तो पी एस बी कोस प्लस
स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ये हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ली है। अब यदि एंगल निकालें अल्फा तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल अल्फा अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ओ एन एस
सॉरी 180 डिग्री लेते हैं पहले, थीटा 180 डिग्री हो तो कोस 180 कितना होता है, कोस 180 डिग्री होता है माइनस वन, तो आप यहाँ पर कोस 180 रख देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कोस 180, और कोस 180 होता है माइनस वन, कर सकते हैं आर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, और ये बेसिक लिख के आए माइनस बी का होल स्केयर, आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्केयर, स्केयर से ये कैंसिल, तो रिजल्टेंट आया ए माइनस बी। और ये चीज़ भी हमने चेक कर ली थी जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन लिए थे ए और बी, तो आप देखिए एक की मैग्नीट्यूड में से दूसरे की मैग्नीट्यूड जो है वो घट रही है, तो रिजल्टेंट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड कम है। तो आप देख रहे हैं मैंने कहा था जब दो वेक्टर की इक्वेशन है वो एक सिंपल इक्वेशन है और वही सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकती है, ऐसे हमें बार बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या इक्वेशन थी, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमने वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ा था, तो ये तो इसी से इसी में सब कुछ है, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, तो हमने वो चीज़ भी चेक कर ली कि जब दो वेक्टरों को आप ऐड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो रिजल्ट है वो दोनों का जोड़ ही आएगा। इस केस में देखिए इस केस में आया 4 + 3 = 7 रिजल्टेंट, इस केस में रिजल्टेंट आया 4 - 3 = 1, और सपोज एंगल होता 90 डिग्री, यदि थीटा कितना होता 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना 0, इस इक्वेशन में कोस रखो कोस 90 रखो तो ये पूरी 0 हो जाएगी, तो रिजल्टेंट आर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, तो कोस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 का रूट और ये आ जाता 5, तो रिजल्टेंट 4 और 3 का रिजल्टेंट 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, डिपेंड करता है जो वेक्टर है उनके बीच में कितना एंगल। आप ये क्वेश्चन घर पे ट्राई कर सकते हैं। वेक्टर के बारे में आज हमने देखा कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, पहले हमने हैंड टेल मेथड से जाना, फिर उसके बाद हमने जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है जो हेड एंड टेल मेथड ही था एक तरह से, और फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये थे तो इक्विवेलेंट ही तीनों मेथड, और जो रिजल्टेंट है वो आप किसी भी निकाले वो हमेशा सेम आता, बट जो इंटरप्रिटेशन है वो तीनों की अलग अलग है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वेक्टर से रिलेटेड, आप दो उन्हीं वेक्टर को जोड़ सकते हैं जो सेम नेचर के हों, जैसे फोर्स वेक्टर में आप दूसरे फोर्स वेक्टर को जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फोर्स वेक्टर में आप वेलोसिटी वेक्टर को जोड़ देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप न तो फोर्स में वेलोसिटी जोड़ सकते हैं, न ही फोर्स वेक्टर में मोमेंटम वेक्टर जोड़ सकते हैं, आप केवल उन्हीं वेक्टर को जोड़ सकते हैं जो सेम नेचर के हों, जिनके डायमेंशन सेम हो उन्हीं को आप जोड़ सकते हैं, डायमेंशन सेम भी कहना ठीक नहीं होगा, सेम नेचर हो तो आप उन्हीं वेक्टर को जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जोड़ सकते हैं, फोर्स में फोर्स जोड़ सकते हैं, फील्ड में फील्ड वेक्टर जोड़ सकते हैं। तो आप ये तीन क्वेश्चन हैं आप ट्राई कीजिए।